हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा। हैव यू सीन अ टाइगर एंड एलिफेंट टुगेदर? क्या आपने बाघ और हाथी को एक साथ देखा? क्या आपने बाघ और हाथी को एक साथ देखा? देखो, यहाँ पर एक आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, टाइगर। अब देखो, ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है और आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही लगते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होता। यहाँ पर एक वचन की बात हुई है, एक टाइगर की बात हुई है। तो देखो, ये जो टाइगर जो साउंड दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, व्यंजन साउंड दे रहा है, तो ए का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एलिफेंट लिखा है, किस प्रकार का साउंड दे रहा है? ये स्वर का ही साउंड दे रहा है। एलिफेंट लिखा है, ये एक कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं दे रहा है, स्वर का साउंड देता है, वोवेल का साउंड देता है, तो हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हैव यू सीन अ टाइगर एंड एन एलिफेंट टुगेदर? क्या आपने बाघ और हाथी को एक साथ देखा है? नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज फन टाइम फॉर द एनिमल्स। इट वॉज फन टाइम फॉर द एनिमल्स, मतलब कि यह जानवरों के लिए फन का समय था। ये एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ था, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम की बात करी है, जिस टाइमिंग पर वो इन्जॉय करते थे, मस्ती करते थे, उस टाइम को मेंशन किया है। ये एक डेफिनेट टाइम था, तो यहाँ पर आ जाएगा, इट वाज द फन टाइम फॉर द एनिमल्स। दैट्स गुड आइडिया। देखो, ये अच्छा सुझाव है। जब हम कोई भी सुझाव देते हैं तो हज़ार बातों में से एक ही तो तथ्य बताते हैं कि मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, तो हम क्या कहेंगे, डेट इज़ अ गुड आइडिया। और इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर गुड लिखा है, जो कि स्वर नहीं है, ये एक व्यंजन का साउंड है, तो क्या हो जाएगा, ए का इस्तेमाल होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेट इज़ अ गुड आइडिया। ओके, अगर आपने 50 क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिए तो आपका आर्टिकल चैप्टर पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया। मैंने आपको यहाँ पर 100 MCQs कवर करवा दिए हैं, जो पिछले वर्ष की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये 100 प्रश्न ऐसे लिए हैं, यहाँ पर आपको पूरी तरह से कवर अप हो जाएगा आर्टिकल। ओके, थोड़ा बहुत और रहेगा तो आप अपनी तरह से प्रैक्टिस कर लो। मैं अगला एक न्यू चैप्टर पर उठाऊँगा पूरे बेसिक से, और उसके 100 से ज़्यादा MCQs करवाने की कोशिश करूँगा। द ऑफिसर ऑर्डर्ड अटमोस्ट अलर्ट ऑन ऑल राइट्स। अधिकारी ने सभी सवारी पर अत्यधिक सतर्क रहने का आदेश दिया है। आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अटमोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि एक स्वर का साउंड दे रहा है। देन टू फॉल ऑन ग्राउंड। वे जमीन पर गिरने लगे। कहां पर गिरने लगे? आसमान में, छत पे, ताजमहल पे, नहीं, ग्राउंड पर, मैदान में, ज़मीन पर गिरने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड की बात करिए, ना कि कहीं और स्थान की बात की, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट नाउन है, तो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेगा। दे बिगन टू फॉल ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट है, द भिक्षु वॉज साइलेंट फॉर लॉन्ग टाइम। कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा? भिक्षु बहुत देर तक चुप रहा, ठीक है, बहुत देर तक चुप रहा। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आता है, और यह हमेशा सेम आता है, फॉर द लॉन्ग टाइम कभी नहीं होगा, फॉर अन लॉन्ग टाइम को अभी नहीं होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही होगा। क्योंकि आप अगर इसको आप पढ़ोगे तो जो साउंड दे रहा है वो कॉन्सोनेंट है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है वो आर्टिकल ए का इस्तेमाल करता है। ओके, द रोबर्स एंटर्ड रूम। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? लुटेरे ने कमरे में इंटर किया या इंटर कर दिया। यहाँ पर क्या यूज़ होगा? आर्टिकल यहाँ पर यूज़ होगा द का, क्योंकि कहाँ इंटर किया?
कमरे में इंटर कर चुके हैं, ठीक है। सी जम्प्ड इंटू केनल इमीडिएटली, सी जम्प्ड इंटू केनल इमीडिएटली। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? वह तुरंत ही नहर में कूद गई या छलांग लगा दी, ठीक है। तो कहाँ में कूदी? केनल में। तो ठीक है, ये एक डेफिनेट नाउन, केनल में कूदी है, ना कि किसी कुएं में कूदी है, ना किसी नाव में कूदी है, ना किसी घर के अंदर कहीं कूदी है, केनल में कूदी है। तो डेफिनेट आर्टिकल का ये इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट बॉय, ये तो आपको आता ही होगा। इंटेलिजेंट लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये इंटेलिजेंट मतलब किस प्रकार का साउंड दे रहा है, यह स्वर साउंड दे रहा है, तो एन आर्टिकल का यूज होगा। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। शी वाज ड्रेस्ड इन पीजेंट कस्टम ऑफ राजस्थान, वह राजस्थान की किसान वेशभूषा में सजी थी, ठीक है। यहाँ पर किस प्रकार का आर्टिकल यूज होगा? सी वाज ड्रेस्ड इन प्रेजेंट कस्टम ऑफ राजस्थान, ठीक है। उन्होंने राजस्थान किसान वेशभूषा पहनी थी, सजी थी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, दे बेगन टू फॉल ऑन द ग्राउंड इन हिप्स, वे ढेर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं, ठीक है। कहाँ पे गिरने लगते हैं? जमीन पर गिरने लगते हैं। कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। ढेरों पर गिर रहे हैं, कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं। एक्सेप्टिंग ग्लास ऑफ मिल्क ऑफर्ड बाय द कमांडर, एक्सेप्टिंग ग्लास ऑफ मिल्क ऑफर्ड बाय द कमांडर। आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा क्योंकि उसने एक ग्लास मिल्क की बात करी थी, ठीक है। एक ग्लास मिल्क की, एक्सेप्टिंग द ग्लास ऑफ मिल्क ऑफर्ड बाय द कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चाणक्य गोट अप एंड केम आउट, कौन सा आर्टिकल यूज होगा? चाणक्य उठकर बाहर आ गया, चाणक्य गोट अप एंड कम आउट। किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेट बात नहीं है और कोई इनडेफिनेट बात नहीं है। केम आउट सीधे बोला है उसने, वो जैसे ही उठा बाहर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सी हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन रोड एक्सीडेंट, उसने अपना एक पैर सड़क दुर्घटना में खो दिया, ठीक है। किसी दुर्घटना में? सड़क दुर्घटना में, ठीक है। तो यहाँ पर ये रोड लिखा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो ए का इस्तेमाल होगा। सी हैड लॉस वन ऑफ हर लेग्स इन अ रोड एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कॉल्ड राधा, मतलब कि इस प्रिंसिपल को जो उस स्कूल का प्रिंसिपल है उसे राधा कहा जाता है। तो ये मैडम होगी क्योंकि राधा लिखा है, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रिंसिपल है ये किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, किसी स्कूल की प्रिंसिपल है जिसे राधा कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट आर्टिकल की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, ये एक नाउन डेफिनेट है क्योंकि उस स्कूल की बात हो रही है जिस स्कूल में उस प्रिंसिपल को राधा कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, आई हैव बुक, मेरे पास बुक है। अब देखो, आई हैव बुक्स अगर होता तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते नहीं करते क्योंकि प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल नाउन में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, पहली बात ये। अब दूसरी बात है कि हम यहाँ पे द का इस्तेमाल करें, द का इस्तेमाल क्यों करेंगे? इस बुक की कोई बात पहले की जा चुकी है, डेफिनेट है क्या ये? नहीं है, तो द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब रही बात है ए और इन की, ए का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ कोई प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, व्यंजन होता है, ठीक है, वहाँ पर ए, और अगर स्वर होगा तो वहाँ पर एन का होता है इस्तेमाल। अब यहाँ पर जो बुक लिखा है
यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, आई हैव अ बुक, इज इट क्लियर? चलो आगे, मिस्टर शर्मा इज एम्पायर ऑफ हिज मैच, मिस्टर शर्मा इज एम्पायर ऑफ दिस मैच, मिस्टर शर्मा इस मैच के एम्पायर हैं। देखो कैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, स्वर का, तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे, मिस्टर शर्मा इज एन एम्पायर ऑफ दिस मैच। राम इज बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, मैंने कहा था कि जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आए उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे, राम इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, ऑप्शन नंबर थर्ड इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है, ठीक है? तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, बहादुर इंसान ही इस जमीन पर, इस धरती पर रूल करते हैं, मतलब राज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ। ओके, ये 50 क्वेश्चन है, अगर आपको 50 में से 45 प्लस भी बन गए हैं तो आपका आर्टिकल चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इससे पहले के 4 वीडियो फिर देख लो, आपका यहाँ पर आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों तक शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड नॉलेज के लिए आपको कई सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो तरीके से पढ़ना है तो आप यहाँ पर ज्वाइन करवाएं। ऑल द बेस्ट।